बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है। वहीं अब राष्ट्रपति ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना की राज्यपाल तमिली साई सुंदर राजन को नियुक्त किया है। साथ ही उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी सरकारी सूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि किरण बेदी पौंडीचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति ने पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया है। वह राष्ट्रपति भवन से जारी सरकारी सूचना के अनुसार तेलंगाना की राज्यपाल तमिलीसाई सुंदर राजन तेलंगाना के अलावा पौंडीचेरी की एलजी की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। तमिलीसाई सुंदर राजन जिस दिन से एलजी का पद संभालेंगी उस दिन से उनकी नियुक्ति प्रभावी मानी जाएगी। राष्ट्रपति भवन के अनुसार पौंडीचेरी के लिए अलग एलजी की नियुक्ति तक ये प्रभार तमिलीसाई सुंदर राजन ही संभालेंगी। बता दें कि पौंडीचेरी में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसी बीच इस केंद्र शासित प्रदेश में ये अहम घटनाक्रम हुआ है। बता दें कि किरण बेदी को 29 मई 2016 को पौंडीचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। वहीं उससे पहले 10 फरवरी को पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और मांग की थी कि एलजी किरण बेदी को वापस बुलाया जाए। वहीं पौंडीचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। किरण बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऑडियो संदेश जारी किया है जिसमें वो अपना एक लेटर पढ़ रही है। किरण बेदी ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान का पालन किया है और अब पौंडीचेरी यहाँ के लोगों के हाथ में है। बता दें किरण बेदी ने अपने संदेश में कहा कि वो भारत सरकार को शुक्रिया करना चाहती हैं कि उन्होंने पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर काम करने का मौका दिया। जिन्होंने इस दौरान मेरे साथ काम किया उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। किरण बेदी ने अपने संदेश में आगे कहा कि टीम राजनिवास ने इस कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए काम किया। जो भी हुआ वो एक पवित्र ड्यूटी थी। इसमें संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निभाया गया है। पौंडीचेरी का भविष्य काफी शानदार है और अब यहाँ के लोगों के हाथ में है। वही पौंडीचेरी में ये हलचल तब हो रही है जब कुछ ही वक्त बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। साथ ही बीते दिन कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद से कांग्रेस की राज्य सरकार अल्पमत में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।